अजय देवगन क्यों करना चाहते हैं रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म में काम? अजय देवगन किस सुपरहिट फिल्म के रीमेक में आएंगे नजर? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों को बनाने में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और ये सभी फिल्में दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर रही है। जी हाँ, परमानु, सत्यमेव जयते, राजी, उरी, इन सभी फिल्मों का उदाहरण है और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन तो किया ही, लेकिन लोगों ने भी इन फिल्मों को काफी पसंद किया। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनमें आजकल देशभक्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर बनाई जाने वाली फिल्मों में काम करने को लेकर होड़ लग गई है और इस लिस्ट में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, सलमान खान जैसे एक्टर्स तो थे ही, लेकिन अब इसमें अजय देवगन भी बहुत जल्द एंट्री मारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन बहुत जल्द एक ऐसी ही फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसमें वो बहुत जल्द एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। ये फिल्म 2003 में आई बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जमीन का रीमेक होगी। फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और अब वो ही इस फिल्म को फिर से रिक्रिएट करने वाले हैं। बॉलीवुड से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रोहित शेट्टी ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जो अभी इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। जमीन फिल्म की बात करें तो ये कहानी एक आर्मी ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर का एक साथ मिशन को पूरा करने की कहानी थी। फिल्म में कुछ टेररिस्ट एरोप्लेन हाईजैक कर लेते हैं जिसके बदले वो इंडियन गवर्नमेंट से अपने हेड कमांडर को रिहा करने की शर्त रखते हैं। फिर दोनों ऑफिसर्स मिलकर टेररिस्ट से प्लेन को छुड़ा लेते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। फिल्म में अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, बिपाशा बासु और अमृता अरोरा ने लीड रोल प्ले किया था और 11 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 17 करोड़ 8 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों, रोहित शेट्टी हमेशा अजय देवगन के साथ ही ज्यादातर फिल्में बनाते हैं और इनकी जोड़ी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दे चुकी हैं। तो वहीं अभिषेक बच्चन भी फिल्म मनमर्जियां के फ्लॉप के बाद एक दमदार स्क्रिप्ट की तलाश में हैं। अब देखना ये है कि इस फिल्म में क्या रोहित शेट्टी अभिषेक बच्चन को कास्ट करते हैं या फिर अक्षय कुमार उन्हें रिप्लेस करते हैं। दोस्तों, वैसे बात करें दोनों की तो अजय देवगन और अभिषेक बच्चन जमीन के अलावा एक साथ बोल बच्चन जैसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। जमीन के रीमेक पर आपको बता दें कि अभी काम चल रहा है लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दोस्तों, रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के रीमेक में अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार में से किसे करेंगे कास्ट और क्या ये फिल्म 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हो पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।